वेल तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हिलेरियस नाइट वन था रेसलमेनिया का। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हे गाइस, वेलकम टू द माय चैनल मानिस पंकज। तो यार, साशा बैंक्स वर्सेस बियांका ब्लेयर का जो रिजल्ट निकल चुका है, यहाँ पे न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बन चुके हैं जो कि बियांका ब्लेयर। और यहाँ पे रेसलमेनिया के एंडिंग में हमें बहुत ही अच्छा खासा पायरो फटते हुए दिखने को मिला एंड बहुत ही अच्छा खासा मतलब सेलिब्रेशन देखने को मिला यहाँ पे बियांका ब्लेयर का। एंड पायरो ने पूरा इनसेन इस सेलिब्रेशन को बहुत ही अच्छा खासा कर डाला है। एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन जीतने के बाद तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा पब्लिक का रिएक्शन भी हमें देखने को मिला। क्राउड बहुत ही अच्छी खासा रिएक्ट कर रही थी। एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा मैच देने के बाद तो यहाँ पे जो चैंपियन बनी है बियांका ब्लेयर, जो कि बहुत ही अच्छी खासी डिजर्विंग सुपरस्टार्स थी, जो कि मुझे लगा कि यार बहुत ही अच्छी सुपरस्टार है, तो यार बहुत ही बेस्ट मैच दिया इन्होंने। तो फिर पायरो भी बहुत ही अच्छा खासा फटा था यहाँ पे। एंड रेसलमेनिया एंड का पायरो बहुत ही बेस्ट पायरो था। तो यार मे बी आई थिंक ये मोमेंट बहुत ही अच्छा खासा याद रहेगा बियांका ब्लेयर को, जो कि उनके लाइफ का बेस्ट मोमेंट है। तो वेल, आपको क्या लगता है, कैसा मतलब पायरो बहुत ही बेस्ट था या फिर पायरो बेस्ट नहीं था? तो वेल मुझे कमेंट सेक्शन बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो। एंड सो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।